हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल पर। और वीडियो को शुरू करने के पहले एक आवश्यक जानकारी, यदि आपने भी अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, तो नोट्स से संबंधित जानकारी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। इसके माध्यम से ये देखिए प्रोसेस यहां पर दी हुई है, आपको इस नंबर पर यूपीआई करना है 50 रुपए, जो नोट्स की फीस है। और यूपीआई करने के बाद इसी नंबर पे, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना और अपना कोर्स नेम भेजना है कि आपको किस कोर्स का नोट्स चाहिए है, तो वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके माध्यम से आप नोट्स ले सकते हैं और आने वाली परीक्षा में नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, जो आपको पेपर में देखने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है 5 ऐसी जॉब जो आप आफ्टर डीसीए और पीजीडीसीए कर सकते हैं। अब सिर्फ बात जॉब की नहीं करेंगे, जॉब के साथ साथ ऐसे काम है, बिजनेस भी है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। जॉब में एक तो होता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर आप जाते हैं, या दूसरा है प्राइवेट जॉब की तरफ। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। एग्जाम आपको फाइट करना पड़ता है, अगर आप एग्जाम क्रैक करते तब जाके आपका गवर्नमेंट किसी जॉब में सिलेक्शन होता है। तो वहां पर सिर्फ डीसीए या पीजीडीसीए मायने नहीं रखेगा, वो सिर्फ आपका, अगर एलिजिबिलिटी उसमें मांगी गई है कि भाई आपको इस जॉब में, लाइक एसएससी में अगर कोई आ रहा है वैकेंसी, तो उसमें आपको कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तो वहां पर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा सकते हो, वहां पर ये यूजफुल होगा। तो गवर्नमेंट जॉब में वो सर्टिफिकेट आपका मायने रखता है, बट उसके लिए आपको बहुत सारी और भी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। आपको मैथ्स होना चाहिए, आपका जो कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको एग्जाम में चीजों को करना पड़ेगा, तो वो सबकी तैयारी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, प्राइवेट जॉब की अगर बात करें, पांच कौन कौन से ऐसे जॉब है जो आप आफ्टर डीसीए पीजीडीसीए आसानी से कर सकते हैं। और आपकी जॉब, देखिए कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी चाहिए आपको, क्योंकि छोटे स्तर से जब आप काम करेंगे तो आपको नॉलेज होगा किस प्रकार से जॉब की जाती है, किस प्रकार से काम किया जाता है, किसी के अंडर कैसे काम किया जाता है, ये चीज़ें सीखना आपको शुरुआत में छोटे स्तर पर ही चाहिए। क्योंकि आप किसी बड़े स्तर का अगर इंतजार करेंगे, नहीं मुझे 20,000-50,000 की ही जॉब चाहिए है, तो ऐसी कंडीशन पे आप बैठे रह जाएंगे, आप शुरुआत की जॉब ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बड़े कॉरपोरेट में काम करने अगर आप जाएंगे स्टार्टिंग से ही, तो वहां पर आपको ये हो सकता है कि भाई ऐसी समस्याएं आपको झेलनी पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो छोटे जॉब में आपको सीखने को मिलती है, जो सीखना आपको छोटे स्तर से। अब कौन कौन सी प्रकार की जॉब हो सकती है आफ्टर डीसीए पीजीडीसीए, सबसे पहली बात करें, आप किसी भी प्रकार के ऑफिस में, लाइक आप स्कूल है, कॉलेजेस हैं, या कोई भी एमएनसी कंपनी है, वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। वहां पर एज अ ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि आपको वहां पर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड अगर काम दिया जा रहा है एज अ ऑफिस बॉय, कि आपको एंट्री करनी है, आपको लेटर टाइप करना है, आपको डेटा शीट बनानी है, आपको पीपीटी बनानी है, इस प्रकार का काम। क्योंकि देखो डीसीए पीजीडीसीए में आपने एमएस वर्ड यानी कि एमएस ऑफिस आपने पढ़ा हुआ है, तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किया हुआ है, तो आपको ये जॉब आसानी से मिल सकती किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। यहां पर आप 6,000 से 10,000 की जॉब आपकी कहीं नहीं गई, ठीक है। तो किसी भी एमएनसी में आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस में आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पर इस प्रकार की डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब हो, जहां पर आपको वर्ड से रिलेटेड काम हो, एक्सेल से रिलेटेड काम हो, पावर पॉइंट से रिलेटेड काम, ठीक है। तो पहली जॉब तो हो गई आपकी इस प्रकार की, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस बॉय, या आप बोल सकते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आपको करने को मिल सकता है। दूसरा, आप किसी डीटीपी यानी कि जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड काम होता है, फ्लेक्स डिजाइनिंग का काम होता है, फोटोशॉप से रिलेटेड काम होता है, फोटोग्राफी का काम होता है, फोटो एडिटिंग, एल्बम क्रिएट करना, इस प्रकार का काम होता है, तो आप किसी लैब में, किसी स्टूडियो में इस प्रकार की जगह पर संपर्क कर सकते हैं और वहां पर उनके साथ काम सीख भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। अच्छा, यहां पर अगर डीटीपी की बात करो तो ये आपको जॉब के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है, कि आप खुद का भी बिजनेस इसको लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, ठीक है, फोटो एडिटिंग, एल्बम बनाना, ये सारी चीजें आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, खुद भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बिजनेस पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आप इससे रिलेटेड जॉब भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा काम जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा, वेबसाइट डिजाइनिंग,
फ्रीलैंसिंग में अगर बात करें, वेबसाइट डिजाइनिंग करना एक बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप खुद से अगर आपने सीखा हुआ। क्योंकि देखो पीजीडीसी वाले जो कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड उनका थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वहां पर आपको वर्डप्रेस से कैसे आप बना सकते हैं वेबसाइट, ये आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, हम बहुत जल्द इसके बारे में भी बात करेंगे, अपने चैनल पे ही बात करेंगे, क्योंकि वेबसाइट, आपने हमारी वेबसाइट विजिट की होगी सरकारी योजना डॉट स्टोर, वो मैंने खुद बनाई है, उसको किस प्रकार से बनाया और 15 दिन के अंदर कैसे उसका एडसेंस अप्रूव भी हो गया है और उसमें एड भी आने लगे हैं, उस एड से रेवेन्यू जनरेट होता है, अब वो कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में भी अपन डिटेल में फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आप खुद की वेबसाइट क्रिएशन का फ्रीलैंसिंग काम भी कर सकते हैं कि भाई आप वेबसाइट क्रिएट करो, कोई कस्टमर को दो, अगर कोई व्यक्ति आपसे बनवाना चाहते हो तो आप उसको बना के दो वेबसाइट, या आप किसी कंपनी के अंडर काम करना चाहते हो तो वहां पर वेबसाइट डेवलपर के रूप में फिर आप काम कर सकते हो, क्योंकि डीसीए पीजीडी से कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो ये काम आप आसानी से आपको मिल भी सकता है, ठीक है। तीन हो गए, चौथा बात करें टैली का जो काम होता है, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, प्राइवेट कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी हॉस्टल हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सब में फीस से रिलेटेड या जो भी इनकम जनरेट होती है उससे रिलेटेड काम टैली में मेंटेन किया जाता है। तो टैली आपने, चूंकि पीजीडीसी का एक सब्जेक्ट है, अगर आपने सीखा है टैली अच्छे से, आपको आता है एंट्री करना, वाउचर बनाना, कंपनी क्रिएट करना, ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से सीखी है तो आप टैली रिलेटेड जॉब भी आपको मिल सकती है। आपको किसी ना किसी एक चीज में परफेक्ट होना है, आपको अच्छे से उस चीज का नॉलेज लेना है और उसके बेस पर ही आपको अप्रोच करना है कंपनी को या किसी भी स्कूल कॉलेज जहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पर्टिकुलर उस फील्ड में जॉब मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल भी आप अपनी बेहतर करें ताकि किसी भी एमएनसी में आपको अच्छा खासा जॉब मिल सके, या आप साथ में फ्रीलैंसिंग का काम भी कर सकते हैं। अब एक सबसे आसान, जो लास्ट एक हमारी जॉब के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सबसे आसान है। आफ्टर डीसीए पीजीडीसीए आप बहुत आसानी से इस जॉब को कर सकते हैं और इनिशियली 5,000-6,000 आपके इसमें आपको अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपने जहां पर जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर रहे हैं या उसके आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है जहां पर डीसीए पीजीडीसीए कोर्सेज करवाए जाते हैं, वहां पर आप जाकर एज अ टीचर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। डीसीए पीजीडीसीए का अगर आपने कोर्स अच्छे से किया, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स हैं, आपने उससे तैयारी की हुई है, तो आप अपने बाद के जो स्टूडेंट हैं उनको मेंटोर कर सकते हैं, उनको इससे रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपके सेंटर में भी आप पढ़ा सकते हैं, आसपास किसी दूसरे सेंटर में भी जाकर आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एज अ टीचर डीसीए पीजीडीसीए के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आफ्टर डीसीए और पीजीडीसीए आप काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड और भी जानकारी हम आपको किसी और वीडियोज में जरूर देंगे कि गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर इसकी नीड होती है, इसकी जरूरत होती है, और आप आफ्टर डीसी पीजीडी से कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।